हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर आप सबके सामने क्लास टेंथ बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन, उसका एक और टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन का जो इंट्रोडक्शन है उसको डिस्कस किया है। उसके बाद हमने नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया, जिसमें हमने ह्यूमन ब्रेन को डिटेल में पढ़ा, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है और फंक्शंस वो भी हमने एक्सप्लेन किया। तो आज हम इसमें एक और टॉपिक आप सबके लिए यहाँ लेके आए हैं, वो टॉपिक है प्लांट मूवमेंट्स। प्लांट मूवमेंट्स जो हम प्लांट्स में देखते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो एज यू ऑल नो दैट कि जो प्लांट्स होते हैं उनका कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन वहां पे भी कुछ मूवमेंट्स होती है जिनसे हमें पता चलता है कि मूवमेंट्स या इनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये होता है इनमें। तो लेकिन एक अलग तरह की मूवमेंट्स होती है प्लांट्स में एज कंपेयर टू एनिमल्स। एक टर्म में आपको बता देता हूं, लोकोमोशन। एक होता है लोकोमोशन, दूसरा होता है मूवमेंट। तो इनमें डिफरेंस क्या है, पहले आप इनमें थोड़ा डिफरेंस समझिए। लोकोमोशन का मतलब होता है कि एक जगह पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है या कोई चीज है, अगर वो अपनी प्लेस को चेंज करे। फॉर एग्जांपल, मैं इस वक्त यहां हूं और अब मैं इस तरह से आगे आ रहा हूं, तो मैं अपनी प्लेस चेंज कर रहा हूं, मैं अपनी प्लेस चेंज कर रहा हूं, जहां पे मैं पहले था मैं अब उस जगह को बदल रहा हूं। सो इट इज लोकोमोशन। और मूवमेंट क्या होता है, एज हियर इनके साथ प्लांट मूवमेंट जो मैं जिस मूवमेंट की मैं बात करने वाला हूं वो ये वाली मूवमेंट है। कौन सी, कि देखिए एक मूवमेंट ये भी होती है हमारी बॉडी में, मतलब मैं अपने हाथों को ऐसे हिलाऊंगा दाएं बाएं, या अपने सर को हिलाऊंगा इस तरफ हिलाऊंगा इस तरफ हिलाऊंगा, लेकिन मेरी जो बॉडी है वो एक ही जगह पे है। तो प्लांट्स जिस तरह की मूवमेंट शो करते हैं वो यही होती है, और लोकोमोशन उनमें नहीं होता, ठीक है। और अब हम इन्हीं प्लांट मूवमेंट्स की बात करने जा रहे हैं डिटेल में, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली आपके लिए इंटरेस्टिंग ये टॉपिक बनाने के लिए, और आप किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करें, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मूवमेंट्स होते हैं प्लांट्स में जनरली किस किस टाइप की होती हैं। जो मूवमेंट्स होती हैं इनमें कुछ मूवमेंट्स प्लांट्स में होती है ग्रोथ से रिलेटेड, सो वी कैन से सम मूवमेंट्स आर ग्रोथ रिलेटेड। सो दे आर रिलेटेड टू ग्रोथ, हियर वी विल सी एग्जांपल्स ऑफ दैट इन दिस टॉपिक, ग्रोथ रिलेटेड, एंड सम आर नॉन ग्रोथ रिलेटेड। यानी कि कुछ मूवमेंट्स प्लांट्स में ऐसी होती है जिनका ग्रोथ से बिल्कुल ताल्लुक है, वास्ता है, और कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती है जिनका ग्रोथ से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो दे आर नॉन ग्रोथ रिलेटेड। एंड इसी को थोड़ा और अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम और जाते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, तो जो मूवमेंट्स होती है प्लांट्स के अंदर, इनमें कुछ मूवमेंट्स होती है डायरेक्शनल और कुछ होती है नॉन डायरेक्शनल।
व्हाट इज मेंट बाय दिस डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल? अगर किसी प्लांट को कोई स्टिमुलस किसी डायरेक्शन में आ रहा है उसकी तरफ, और अगर ये प्लांट का कोई पार्ट उस स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ईदर अवे फ्रॉम इट और टुवर्ड्स इट, सो दैट टाइम वी से दैट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट और डायरेक्शनल रेस्पॉन्स। और अगर कभी कभी क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं अगर हम इनके किसी पार्ट को टच कर दें तो जनरली या तो कोलैप्स होंगे या ड्रूप होंगे, नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। उस टाइम स्टिमुलस की डायरेक्शन का कोई वहां उससे कोई रिलेशन नहीं होता, तो उस टाइम हम उस मूवमेंट को बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। जो प्लांट्स में जो मूवमेंट जनरली होते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट्स, तो हम उनको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिज्म्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। और जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनको हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स को, जो डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती है, और इनके एग्जांपल्स और टाइप्स को। ठीक है, ओके। ट्रॉपिक मूवमेंट, व्हाट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट? अ ट्रॉपिक मूवमेंट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट। The directional movement of a plant part in response to a stimulus. Stimulus हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पहली टर्म इसमें डिफाइन की थी। स्टिमुलस क्या होता है? एनी ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म शो रेस्पॉन्स, यानी कि माहौल में कोई ऐसी ऑब्जर्वेबल चेंज डिटेक्टेबल चेंज होती है जिसकी तरफ कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स शो करता है, तो उस चेंज को हम बोलते हैं स्टिमुलस। यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या है? डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट, यानी कि अगर प्लांट बॉडी का कोई पार्ट मूवमेंट कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है इन रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, किसके रेस्पॉन्स में? किसी स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में, या उस स्टिमुलस की जो डायरेक्शन है, अगर ये प्लांट का ये पार्ट भी उस डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस की तरफ कोई रेस्पॉन्ड ऐसे करता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज या तो ये भी उस स्टिमुलस की तरफ मूव होगा या उससे दूर भागेगा, तो लेकिन रेस्पॉन्स शो करेगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हेंस वी कॉल इट ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जनरली क्या होते हैं? इसमें जो आपको मेन चीज याद रखनी है कि ये होती है डायरेक्शनल मूवमेंट्स, डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती है, और इनको हम ट्रॉपिज्म्स भी बोलते हैं। दे आर आल्सो नोन एज ट्रॉपिज्म्स और ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ट्रॉपिज्म्स इनका छोटा नाम है। इन शॉर्ट वी कॉल देम ट्रॉपिज्म्स एज वेल। अब यहां पे आपको दो बातें और समझनी है, वो दो बातें क्या है कि अगर प्लांट का कोई पार्ट रेस्पॉन्स कर रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी कि जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस आ रहा है, अगर प्लांट भी उसी डायरेक्शन के विद द डायरेक्शन रेस्पॉन्स शो करे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन या इन रेस्पॉन्स टू इट, वी से दैट इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट,
पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, यानी कि इफ द प्लांट पार्ट शोज रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस या इट इफ इट मूव्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस देन वी कॉल इट पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. और इफ द प्लांट पार्ट रेस्पॉन्ड्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस away from the direction of stimulus, we call it negative tropism. तो उस टाइम हम उसको बोलते हैं negative tropism. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम इसके टाइप्स की तरफ जाएंगे. टाइप्स में मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है पूरा और ये वीडियो पूरा देखना है तभी जाके आप समझोगे कि ये टॉपिक हमारा क्या है. ट्रॉपिक मूवमेंट इज जनरली आर ऑफ वेरियस टाइप्स, लेकिन इनको हम कैटेगराइज करते हैं पांच टाइप्स में बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्टिमुलस. यानी कि स्टिमुलस कौन सा है उसी स्टिमुलस पे डिपेंड करता है और उन्हीं स्टिमुलस के बेस पे हम इनके टाइप्स के नाम भी यहां पे बताते हैं. तो द टाइप्स हैव बीन given the names according to the type of stimulus. जो stimulus है उसी के related उसका type है. Like here, number first type जो है वो है phototropism. Phototropism. यहाँ पे समझिए बात को. Phototropism. What does this photo mean? तो here we say that, in short we say that here stimulus is light. Here stimulus is. तो यहाँ पे जो stimulus हमारे पास है जिसकी तरफ प्लांट कोई रेस्पॉन्ड करेगा वो स्टिमुलस लाइट है. तो लाइट स्टिमुलस के रिलेटेड है ये टाइप, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म. अब ये क्या होता है फोटोट्रॉपिज्म, आप यहाँ पे आइए, इसकी डेफिनेशन ऊपर वाले से थोड़ी आपको समझ में आएगी. व्हेन वी डिफाइन फोटोट्रॉपिज्म वी से दैट इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट in response to light or in response to light stimulus. हमें इस definition में सिर्फ एक जगह एक और word add करना है अब, तो ये बन जाएगा हमारा phototropism. ये बन जाएगा हमारा phototropism. That is the directional movement of a plant part in response to light or in response to light stimulus. अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाऊंगा. अगर हम यहां पे एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेंगे, कार्डबोर्ड बॉक्स, इस कार्डबोर्ड बॉक्स में मैं एक प्लांट को रखूंगा अंदर. इसमें हम एक प्लांट को रखेंगे, पॉटेड प्लांट को रखेंगे. कैसे रखेंगे देखिए, मान लो ये इसमें हमने पॉटेड प्लांट रखा है और बाहर जो है इस पॉटेड प्लांट के बाहर जो है वहां पे सनलाइट अवेलेबल है. इट इज सनलाइट अवेलेबल, दैट इज द स्टिमुलस, दैट इज लाइट, इट इज ऑन द आउटर साइड ऑफ दिस कार्डबोर्ड. अब इस प्लांट पे भी लाइट नहीं पड़ रही है, लेकिन हमें ये देखना है कि ये प्लांट लाइट को कैसे रेस्पॉन्ड करेगा. ये क्या, इस प्लांट का कौन सा पार्ट लाइट की तरफ रहना पसंद करेगा या मूव करना पसंद करेगा और कौन सा अवे फ्रॉम द लाइट. सो इस ये जानने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इस कार्डबोर्ड बॉक्स में एक छोटा सा होल कर देंगे, एक छेद कर देंगे, ताकि ये इस सनलाइट का थोड़ा सा हिस्सा अंदर भी चला जाए. अगर इस प्लांट को ऐसे ही रखा जाए दो तीन दिन के लिए तो पता है आपको क्या दिखेगा, आपको वहां दो तीन दिन के बाद कुछ ऐसा नजारा दिखेगा कि ये जो प्लांट है, अब हमने यहां पे होल जैसा रखा है, तो ये प्लांट जो है इसका जो ऊपर वाला ये जो शूट है ये
बेंड करेगा और बेंड करने के बाद ये इस होल से बाहर निकलेगा, ग्रोथ करेगा एंड इट विल मूव टुवर्ड्स लाइट। व्हाई? बिकॉज यहां पे आप क्या देखोगे कि जो प्लांट का ये शूट है, जैसे इसको सेंसरी लाइट स्टिमुलस, ये प्लांट का जो शूट होता है, देखा गया है कि ये लाइट के रेस्पॉन्ड में क्या करता है, इट मूव्स टुवर्ड्स इट, ये इसके रिलेटेड मूवमेंट करता है। सो हियर ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, तो ये फोटोट्रॉपिज्म का को एक्सप्लेन करता है कि इस प्लांट का ये जो शूट है ये प्रॉपर डायरेक्शन में किसकी तरफ मूव हो रहा है, लाइट की तरफ। सो हियर वी से दैट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट। तो यहां पे वो प्लांट पार्ट कौन सा है, ये शूट है, तो दिस शूट इट टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स लाइट, सो वी कैन से दैट। अच्छा अभी मैंने बोला था आपको कि जो प्लांट का कोई पार्ट विद रेस्पेक्ट या इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस करता है मूव, तो उसको हम कहते हैं, उस टाइप ऑफ मूवमेंट को हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। तो लिहाजा अब प्लांट का कौन सा पार्ट ये मूवमेंट शो कर रहा है, शूट, तो वी से दैट द शूट ऑफ ए प्लांट, द शूट ऑफ ए प्लांट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। क्यों? क्योंकि ये टुवर्ड्स द लाइट ये शूट मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, सो इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। और आप यहां देखोगे इसी प्लांट में एक और पार्ट है जो कि पॉटेड प्लांट में यहां पे आपको दिख रहा है, रूट पार्ट, ये वाला पार्ट जो है रूट, डज दिस रूट आल्सो मूव टुवर्ड्स लाइट, क्या ये रूट भी मूव करता है टुवर्ड्स लाइट? नहीं, रूट जो है ये प्लांट का एक और पार्ट है एंड इट ऑलवेज टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम लाइट, सो इट ऑल्सो show response towards light but away from it, ये response show कर रहा है, move कर रहा है away from light, so we can say that the roots of a plant they are negatively phototropic, तो ये होते हैं negatively phototropic, ठीक है, okay, तो ये है हमारा पहला part इसमें जिसको हमने बोला कि phototropism। Now the second part, it is a gravitropism or geotropism, इसको gravitropism भी बोलते हैं या geotropism भी बोलते हैं। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स में दूसरा टाइप ग्रेविट्रॉपिज्म बोलो इसको या जियोट्रॉपिज्म, दो में से एक नाम आप याद रखो, चलो हम जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे यहाँ पे। तो जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, ये जो जियोट्रॉपिज्म है ये भी एक तरह का फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, ये भी एक तरह का ट्रॉपिक मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो हम लेते हैं ग्रेविटी, तो हियर द स्टिमुलस इज ग्रेविटी, ग्रेविटी। इफ यू डिफाइन जियोट्रॉपिज्म व्हाट डज इट मीन, इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी एज यू ऑल नो इज द फोर्स ऑफ अर्थ बाय विच इट अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स itself, that is it acts downwards, ये जो force of gravity होता है यह हमेशा downward direction में यानी कि होता है, किसी भी object को attract करता है downwards, so तो इसका मतलब क्या है, ये downward direction में होता है। अच्छा अब आप यहाँ पे एक example में फिर से बता देता हूँ, हम यहाँ पे एक plant को draw करेंगे और plant के हम roots लेंगे, यहाँ पे ये पार्ट जो होता है ये सॉइल के अंदर होता है, अब जो बाकी पार्ट में बनाने वाला हूं इस प्लांट का, तो वो हम बनाएंगे ऐसे
शूट जो इसका है। ओके तो हियर यू सी दैट प्लांट का एक पार्ट जो होता है बिलो द सॉइल और बिलो द ग्राउंड, जिसको हम रूट बोलते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो होता है ये सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर होता है। अब ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और प्लांट का रूट पार्ट जो है ये भी ग्रेविटी के डायरेक्शन में नीचे की तरफ होता है, ग्रो करता है। तो यहां पे आप देखिए प्लांट किस तरह से इस जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविटी को किस तरह से ये रेस्पॉन्ड कर रहा है। एज द ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स द रूट्स ऑफ द प्लांट दे आर आल्सो ग्रोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन और रूट्स की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सो वी कैन से दैट जो ग्रेविटी है स्टिमुलस रूट उसी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट दिस प्लांट इज आल्सो शोइंग रेस्पॉन्स और डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी। हियर रूट इज शोइंग मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, हेंस वी कैन से दैट रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। एंड शूट जो है, ये वाला हिस्सा जो है प्लांट का अबोव द ग्राउंड लेवल, तो वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। ग्रेविटी नीचे की तरफ है लेकिन शूट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। दैट इज द शूट ग्रोज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, अवे फ्रॉम ग्रेविटी। सो दिस शूट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, सो इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये वाला जो टाइप है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो अब हम तीसरे टाइप की तरफ जाएंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स की, जो कि है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हियर हाइड्रो मीन्स वाटर, तो हियर स्टिमुलस इज वाटर। इन दिस टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट द स्टिमुलस इज वाटर। अब प्लांट कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे शो कर रहा है रेस्पॉन्ड टुवर्ड्स लाइट, वो भी हम देखेंगे। तो इसमें एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, पहले इसको लेकिन डिफाइन करेंगे। हाइड्रोट्रॉपिज्म इज द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू वाटर। तो यहां पे प्लांट का अगर कोई पार्ट रेस्पॉन्स कर रहा है किस डायरेक्शन में, इन रेस्पॉन्स ऑफ वाटर, तो वी कॉल इट हाइड्रोट्रॉपिज्म। और इसमें भी हम एक एग्जांपल लेंगे यहां पे। आप एक चीज मान के चलिए कि हमने इस ये यहां पे जो सॉइल है, हमने इस सॉइल में एक सीड बोया है, पी सीड, मटर का एक छोटा सा बीज हमने इसमें बोया है। विद इन फ्यू डेज ये जर्मिनेट होगा ये सीड, और इसमें से क्या होगा, इसमें से एक प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा, ग्रो करना शुरू हो जाएगा। यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले उसमें छोटे छोटे वो लीव लाइक स्ट्रक्चर्स ऊपर आपको ग्रो होते हुए नजर आएंगे। और अब आपको देखना है कि वाटर की तरफ ये कैसे रेस्पॉन्ड करता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी सॉइल में एक पॉटेड प्लांट रखेंगे नीचे जमीन के अंदर गाढ़ा हुआ, इसी के नीचे ऐसे। लेकिन इसमें हम पोर्स रखेंगे, इट इज अ पॉटेड पोर या पॉट विथ पोर्स। इसमें हम थोड़ी थोड़ी जगह पे छेद वगैरह रखेंगे।
अब आपको यहां दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा नजदीक अभी लाऊंगा फोन मोबाइल को, तो ताकि आप इससे अच्छी तरीके से इसको देख पाए। तो यहां से जो ग्रोथ, अब इसमें वाटर भरा है, इस पॉटेड प्लांट में वाटर भरा है, तो जो रूट होता है इट ऑलवेज टेंड्स टू ग्रो टुवर्ड्स वाटर। तो अब यहां पे जो रूट निकलता हुआ दिखाई देगा, जो रूट ग्रो करता हुआ दिखाई देगा, तो वो रूट इसी वाटर की तरफ ऐसे मूव करेगा, क्योंकि उसको फील हो रहा है, सेंस हो रहा है एक स्टिमुलस दैट इज वाटर, एंड इट इज सीन दैट दिस रूट टेंड्स टू ग्रो टुवर्ड्स वाटर, टेंड्स टू शो रेस्पॉन्स टुवर्ड्स वाटर। सो हियर इन दिस केस द रूट ऑफ दिस यंग प्लांट और दिस बेबी प्लांट इट इज मूविंग टुवर्ड्स वाटर। तो हियर दिस रूट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, इट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, ठीक है, ओके। एंड द शूट ऑफ द प्लांट इट मूव्स अवे फ्रॉम लाइट, सो हियर इट इज व्हाट इज इट, इट इज नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। तो आप इस डायग्राम को थोड़ा नजदीक से देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे। तो देखिए इसमें क्लियर दिख रहा है कि जो यहां पे वाटर है वो इस पॉट में रखा गया है और उसमें कुछ पोर्स किए गए हैं, और इस प्लांट का ये जो ये वाला हिस्सा है रूट, तो ये इसी की तरफ ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वाटर। सो हेयर दिस रूट इट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, एंड द शूट ऑफ दिस प्लांट इट इज व्हाट, इट इज नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, ठीक है। चलिए अब हम इसके एक और टाइप को देखेंगे, टाइप नंबर 4 जो है। दैट इज कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म हियर द स्टिमुलस इज अ केमिकल। तो इसमें जो स्टिमुलस है वो है एक केमिकल। सो व्हेन वी डिफाइन इट वी से दैट कीमोट्रॉपिज्म इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पॉट इन रेस्पॉन्स टू ए केमिकल स्टिमुलस। तो एक केमिकल की तरफ अगर प्लांट का कोई पॉट रेस्पॉन्स कर रहा है एक डायरेक्शन में, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, वी से दैट दिस टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इज कीमोट्रॉपिज्म। नाउ वी विल सी एन एग्जाम्पल ऑफ इट एज वेल। प्लांट का एक पार्ट होता है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज पिस्टल और वी कैन से कार्पेल। तो यहां पे इसके तीन पार्ट्स होते हैं, आप यहां आपको मैं यहां पे दिखाता हूं। दिस पार्ट इज नोन एज इट इज कॉल्ड स्टिग्मा, एंड दिस इलॉन्गेटेड पार्ट इट इज कॉल्ड स्टाइल, एंड दिस बेसल पार्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है इट इज ओवरी। दीज थ्री टेकन टुगेदर वी कॉल इट कार्पेल और पिस्टल, जो कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब यहां पे जब पोलन ग्रेन्स के थ्रू या पोलन ग्रेन्स यहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं किसके ऊपर, स्टिग्मा पे।
सिटिंग वहां पे पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, और यहां पे नीचे होता है ओवरी, और ओवरी में वो ओव्यूल्स वगैरह होते हैं। तो जैसे ये ट्रांसफर हो जाते हैं इस स्टिग्मा पे ये पोलन ग्रेन्स, उसके बाद इस ओवरी में कुछ केमिकल स्टिमुलस होता है, एक केमिकल सबस्टेंस होता है, और यहां से ग्रोथ हो जाती है पोलन ट्यूब की, पोलन ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द बेसल पार्ट हियर। तो यहां पे हम ऐसे कह सकते हैं या बाहर से भी इसको दिखा सकते हैं। तो ये जो पोलन ट्यूब है ये ग्रोथ कर रहा शो करता है टुवर्ड्स द बेसल पार्ट, जो ओव्यूल्स इसके अंदर होते हैं उन्हें कुछ केमिकल सबस्टेंस होता है, और ये पोलन ट्यूब उसी डायरेक्शन में ग्रो करता है। तो हियर दिस पोलन ट्यूब डेवलप्स और ग्रोस इन रेस्पॉन्स टू इन द डायरेक्शन ऑफ दिस केमिकल। सो हियर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। सो वी से दैट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब है ये एक तरह का एग्जाम्पल होता है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो ये चौथा टाइप है। इस मूवमेंट का, ट्रॉपिक मूवमेंट्स का जो लास्ट वाला पार्ट होता है दैट इज थिक्मोट्रॉपिज्म। That is thigmotropism. Thigmotropism में जो stimulus होता है, here the stimulus is touch. Touch stimulus. And when we define, we say that it is the directional movement of a plant part in response to touch. It is the directional movement of a plant part in response to touch. In response to touch. प्लांट के कुछ पार्ट्स होते हैं वो टच किसी ऑब्जेक्ट को टच करते ही फिर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो वीक स्टेम प्लांट्स होते हैं, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है स्टेम के अंदर, या लीफ मॉडिफाई होता है उनका, कभी स्टेम मॉडिफाई होता है या स्टिप्यूल्स वगैरह, और दे फॉर्म कॉइल स्ट्रक्चर्स विच वी कॉल टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल क्या होता है इसको मैं यहां पे एक प्लांट को थोड़ा सा ड्रा करके आपको समझा देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बीन्स होते हैं राजमा, या जो पंपकिन प्लांट्स होते हैं, या कुकम्बर होता है, जो वीक स्टेम्ड प्लांट्स होते हैं, जब हम इनके जो बीज वगैरह जमीन में डालते हैं, जो पंपकिन होता है उसके लीव्स कुछ ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन जैसे ही ये ग्रो करना शुरू होते हैं तो हम जानते हैं कि ये वीक स्टेमड प्लांट्स है, तो हम इनके इनको वो सपोर्ट्स देते हैं, इनको हम वहां पे कुछ सपोर्ट रखते हैं खड़ा करके ऐसे। तो ये जो यहां से निकल के आता है एक कॉइलेड स्ट्रक्चर फिर ऐसे, और वो कॉइलेड स्ट्रक्चर इसके अराउंड वाउंड होता है, और इस कॉइलेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेंड्रिल। तो ये वो जो टेलीफोन वायर होती है उसी से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर होता है, और इन ये प्लांट्स इन जो सपोर्ट हम इनके ऊपर रखते हैं, कुछ छिड़ियां वगैरह रखते हैं इनके दाएं बाएं, तो ये उन्हीं सपोर्ट्स को ऐसे क्वाइल करते हैं और पकड़ लेते हैं। उससे क्या होता है ये प्लांट फिर आगे बढ़ना शुरू करता है और ग्रोथ करता है, एंड इट देन स्टैंड स्टॉल, तो ये उसके बाद ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो हियर
इस प्लांट के इस स्ट्रक्चर, ये टेंड्रिल जैसे ही इससे किसी सबस्टेंस का मतलब इसको सेंस होता है कि यहाँ पे टच हुआ है, तो ये टच करते ही उसी की डायरेक्शन में फिर ग्रो करता है और प्लांट को विथस्टैंड करता है। तो हियर दीज टेंड्रिल्स दे हेल्प दीज क्लाइंबर्स विथ गेट्स टू स्टूड अप एंड ग्रो इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे आप सपोर्ट रखोगे, आप टिल्टेड सपोर्ट रखोगे ऐसे, तो उसी डायरेक्शन में ऊपर चला जाएगा ये प्लांट। लेकिन सपोर्ट के थ्रू ये टेंड्रिल्स उस सपोर्ट को कॉइल करते हैं अराउंड, और उसके बाद ये प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है। तो अगर हम कहें कि प्लांट का कौन सा पार्ट होता है पॉजिटिवली थिग्मोट्रॉपिक, सो टेंड्रिल्स आर साइड स्ट्रक्चर्स। तो जो टेंड्रिल्स होते हैं दीज आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रॉपिक। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में हम देखेंगे नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, जिनको हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आप हमारे चैनल में जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो पिछले वाले टॉपिक्स हैं तो उनको भी ज़रूर देखिएगा, तब जाके ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। क्योंकि हमने ऑलरेडी कुछ स्टिमुलस रेस्पॉन्स ये टर्म्स हमने उन पहले इंट्रोडक्शन में वहाँ पे समझा दिए हैं, तो जब वो चीज़ें पता होती हैं तो आगे बाकी चीज़ों का समझना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अगली बार हम फिर आपके लिए ट्रॉपिक मूवमेंट्स तो हमने आज पढ़ा, नास्टिक मूवमेंट्स को हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।